कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सिमडेगा में भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तिरंगा यात्रा में काफी संख्या में शामिल भाजपा पदधारियों और आम लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए प्रमुख पथों का परिभ्रमण किया और देशभक्ति का संदेश दिया। शहर के महावीर चौक पर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सह तिरंगा यात्रा के जिला प्रभारी प्रियंक भगत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र सर्वोपरि का संदेश दिया है, राष्ट्र है तो हम हैं। उन्होंने कारगिल युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देते हुए देश को जीत दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन किया। जवाब देने के लिए भारत के 30,000 सैनिक बहुत ही विषम परिस्थिति में अपने देश की सुरक्षा करते हुए हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी जान, सैनिकों ने अपनी जान दी, आहुति दी और बहुत ही मतलब मुश्किल परिस्थिति में भी इस संकट से देश को निकाला। इसके लिए हम लोग विजय दिवस के तौर पे आज के दिन को मनाते हैं। लगभग 5,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने घुसपैठ किया था, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया और उन्हें वापस खदेड़ा गया। अपने देश की सुरक्षा के लिए जो हमारे सैनिक जी जान से मेहनत करते हैं, जी जान से अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं, उनको सम्मान देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज के दिन को विजय दिवस के नाम से विख्यात किया है और आज पूरा भारत इसे विजय दिवस के तौर पर मनाता है। हमें अपने सैनिकों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। भारत के सैनिक जो ऐसे सैनिक जो अपना परिवार छोड़ करके, अपने घर बार छोड़ करके हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री का एक नारा है हमेशा, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सबसे पहले रहे, राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। इसीलिए ये मतलब ये दिवस हम लोग आज मनाते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।